नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को एक बार फिर अपने रडार पर लिया। एक तरह से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को फिर से अनुभवहीन साबित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी स्थिर नहीं है, इसीलिए पंजाब जैसे सीमाई सूबे के लिए खतरनाक है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। सब कुछ सिद्धू की मर्जी से किए जाने के बावजूद सिद्धू फिर समझौता की बात कर रहे हैं। आखिर कौन सा समझौता और कैसा समझौता? सिद्धू कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएं, इसके लिए राहुल और प्रियंका ने तमाम पापड़ बेले, लेकिन ऐन वक्त पर सिद्धू ने ही उन्हें सियासत की दुनिया में अपमानित कर दिया और ना चाहते हुए कैप्टन के आरोपों को सही साबित कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह व्यक्ति स्थिर नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए ठीक नहीं। वहीं सिद्धू ने अपने इस्तीफे में लिखा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। इस वजह से मैं पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पद से तुरंत इस्तीफा देता हूं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा गया, इसमें कहा गया कि कांग्रेस के पतन को रोकने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। असल में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रहे लुइजिन्हो फ्लेरो ने इस्तीफा देते हुए यह बात कही थी। पंजाब की स्थितियों को लेकर इस बात की चर्चा होनी जरूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वर्चस्व की लंबी लड़ाई में उन्हें कुर्सी से बेदखल दिखाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब में कांग्रेस खेमे में खींचतान लंबे समय से देखी जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद कैप्टन के इस्तीफे के साथ और तेज हो गया। पंजाब में नए मुख्यमंत्री को लेकर जब मंथन शुरू हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की भी चर्चा होने लगी। हालांकि कैप्टन ने साफ कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वह इसके फैसले का विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, कैप्टन ने पाकिस्तान से संबंध, बाजवा से गले मिलना, इमरान खान से याराना, इन तमाम मुद्दों के साथ सिद्धू पर जमकर हमला किया। नतीजा यह निकला कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों पर सवाल हुए, किसी तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ पकड़े हुए हैं, किसी में उनके कंधे पर हाथ डालकर खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरों की अलग अलग कहानी तैयार हुई। वहीं पंजाब कैबिनेट को लेकर हुए निर्णय में भी नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो नहीं दी गई। कहा गया कि सिद्धू इन तमाम बातों से नाराज चल रहे थे। कयासे लग रही थी कि महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो अस्थिरता पैदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।